फ्रेंड्स, माइसेल्फ कुलदीप कुशवाहा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेट। यहाँ हम आपको फार्मेसी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जिट एग्जाम और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा फार्मेसी एक्ट, तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डिड द फार्मेसी एक्ट 1948 कम इन टू फोर्स? 1 अप्रैल 1949, 4 मार्च 1948, 1 मई 1949, 23 अप्रैल 1948। पूछा जा रहा है कि फार्मेसी एक्ट कब पूरी तरह से लागू हुआ। द राइट आंसर इज बी 4 मार्च 1948। हुच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाई स्टेट काउंसिल? स्टेट काउंसिल के द्वारा जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, पूछा जा रहा है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, इंस्पेक्टिंग प्रीमाइसेस, इन्वेस्टिंग एनी कंप्लेंट, इंस्टीट्यूटिंग प्रोसिक्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूटिंग प्रोसिक्यू मेंटेन ऑफ रजिस्टर है, वो इंस्पेक्टर का फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन इज ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी? प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट, जो सेंट्रल काउंसिल होती है उसके, जो सेंट्रल काउंसिल में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, इनको कौन इलेक्ट करता है? तो जो उस काउंसिल के मेंबर होंगे वो जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन पब्लिक करती है, कि हेल्थ केयर मिनिस्टर करते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कि मेंबर ऑफ काउंसिल करते हैं। तो सही आंसर इज ऑप्शन बी, मेंबर ऑफ काउंसिल। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एन इलेक्टेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर, जो किसी भी पीसीआई है उसमें जो मेंबर होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं, पूछा जा रहा है उनका ऑफिस टाइम होता है वो कितने साल ड्यूरेशन होता है। तो सही आंसर है 5 साल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कैन नॉट बी पार्ट ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये जैसा कि बताया 3 तरीके लोगों से मिलकर बनती है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो। तो उसमें से इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो उसके कुछ पार्ट हैं। एक इसमें ऑप्शन में ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं है, तो वो है जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 1 नामनी ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट, सही है, इसका पार्ट होता है। 1 नामनी ऑफ ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये भी होते हैं। 1 डॉक्टर, ये नहीं होते हैं, पीसीआई में डॉक्टर नहीं होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन में। 6 टीचर होते हैं, ये सही है। तो इसका राइट आंसर इज सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जीक्यूटिव कमेटी इंक्लूड, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें कौन कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 मेंबर्स, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 6 मेंबर, प्रेसिडेंट 6 मेंबर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 मेंबर्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हिच वन इज नॉट द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर एज मेंबर ऑफ पीसीआई? इसमें से जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इसका सब्जेक्ट का टीचर पीसीआई का मेंबर नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी का टीचर, की फार्माकोलॉजी का टीचर, के फार्माकोग्नोसी का, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जैसा कि 6 टीचर होते हैं विभिन्न सब्जेक्ट से। तो उसमें से जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो टीचर होता है वो पीसीआई में नहीं होता है, अगर फार्मेसी का सब्जेक्ट होता तो उससे होता। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ए रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट? एक फार्मासिस्ट जब बनता है उससे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उसमें क्या क्या है, देखते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं, 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 नहीं होगा। मिनिमम 18 ईयर्स एज, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिसिंग एनी क्लिनिक विदाउट डिग्री, ये गलत है, ये उसका क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। पास्ट एंड अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, बिल्कुल उसको डिफार्मा या बिफार्मा कुछ ऐसे डिग्री डिप्लोमा उसको किया होना चाहिए। और कैरी द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, ये भी उसका प्रोफेशन से होना चाहिए। लेकिन जो इसका पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है कि प्रैक्टिस इन एनी क्लिनिक विदाउट डिग्री, इसके लिए अगर ये क्वालिफिकेशन उसके रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए आवश्यक नहीं है। द एजुकेशन रेगुलेशन 1991 एडवाइस डेट द पीरियड्स ऑफ थियोरेटिकल स्टडी शुड नॉट बी लेस देन, जो एजुकेशन रेगुलेशन 1991 है वो कहता है कि जो फार्मेसी कोर्स है उसमें जो है 500 घंटे से कम नहीं होना चाहिए थियोरेटिकल स्टडी हमारी,
500 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए थ्योरेटिकल स्टडी। तो ऑप्शन में जैसे 6 मंथ की, 8 मंथ्स की, 600 और 500 और, तो सही आंसर जो इसका होगा 500 और से हमारी स्टडी ज़्यादा होना चाहिए थियोरेटिकल। द सेंट्रल काउंसिल हैज मेड द रेगुलेशन फॉर, सेंट्रल काउंसिल होती है जिसको PCI कहते हैं, उसका क्या रेगुलेट करती है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है वो रॉन्ग है। ये प्रॉपर्टी से इसका सेंट्रल काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो इंस्टीट्यूट जो होती है उसका अप्रूवल भी करती है, जो भी जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं, और जो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का भी सेंट्रल काउंसिल करती है, स्टेट काउंसिल भी करती हैं, और रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, जो फॉरेन से कंट्री से पढ़ करके आते हैं फार्मेसी, उनको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके क्वालिफिकेशन भी डिसाइड करती है सेंट्रल काउंसिल। सिलेबस डिसाइड करती है, ढेर सारे पीरियड, कितना टाइम होगा सिलेबस का, कितना कोर्स कौन कौन से होंगे, क्या उसकी क्वालिफिकेशन, कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी, वो सारा अप्रूवल जो है सेंट्रल काउंसिल करती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी से मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो सेंट्रल काउंसिल का फंक्शन नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फुल फॉर्म ऑफ AICTE, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एडुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एडुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन, जो फार्मेसी एजुकेशन होती थी उसमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो सबसे पहले बिगनिंग से इंक्लूड नहीं किया गया था, जबकि अब इंक्लूड कर दिया गया है। उस सब्जेक्ट का नाम पूछा जा रहा है कि फार्मेसी था, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फार्माकोग्नोसी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया द फार्मेसी एजुकेशन टू ऑब्टेन ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी बिफोर इनिशिएटेड एट, जो भी फार्मा पूछा जा रहा है सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, लेरन कॉलेज ऑफ अहमदाबाद। तो सही आंसर इज ए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज राइट आंसर, जो जहाँ से भी फार्मा की डिग्री पहले सबसे पहले शुरू हुई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया द फार्मेसी एजुकेशन टू ऑब्टेन ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी इनिशिएटेड इन द ईयर, जो वही पूछा जा रहा है कि जो भी फार्मा हुआ था कहाँ से, तो पूछा जाए BHU से, और पूछा जाए किस ईयर से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, तो वो है 1937। अब देखो ऑप्शन में 1947, 1948, 1937, 1938। तो सही आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1937। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द प्रेजेंट टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग फार्मेसी एज ए फार्मासिस्ट द मिनिमम डिजायर्ड क्वालिफिकेशन इज ए, पूछा जा रहा है कि जो हमको अगर फार्मासिस्ट बनना है और या फार्मेसी में प्रैक्टिस करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, कि डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, कि डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास जो 2 साल की डिप्लोमा डिग्री होती है प्लस 3 मंथ की इंटर्नशिप, वो कम से कम होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज डिप्लोमा डिग्री फॉर प्रैक्टिसिंग फार्मेसी एज ए फार्मासिस्ट। तो मुझे पूरा उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए और आपको अगर इंटरेस्ट है, अगर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें आपको, ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।